कैसे रहता था पहले? कहा गया कि भूत हमेशा रात में रहते हैं, दिन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब मैं आ रहा था उधर से अचानक, तो पीछे से कुछ दौड़ा उसे वैसा करता, जैसे कहीं लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी वहीं जाकर पेशाब करता है, ये भारत के लोग ऐसा है कुछ। तो आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो बहुत बड़ा है, लगभग 2-3 किलोमीटर में तो होगा ही, ये ऐसा लगता है जो रामायण में जो सेतु बांध बांधा गया था वैसा लग रहा है, खतरनाक पहाड़। अभी और भी अभी इस साइड का ये पश्चिम का भाग है, अभी हम आपको पूर्व का भाग दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये पूर्व का भाग है, बहुत खतरनाक है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे भूतों वगैरह रहते हैं, ऐसा इतना खतरनाक है। अभी आपको हम और भी दिखाते हैं नज़ारा, और यहाँ से आपको हरियाली ही हरियाली सौंसे देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे है जगह, बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ पे हम लोग को तो हमेशा ही रहते हैं। आप हर जगह अगर चारों तरफ यहाँ से देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल लगेगा, लगता है कि वाह क्या सीन है। यहाँ जो आप दिख रहे हैं देख रहे हैं अभी सब घर जो है, जूम करते हैं, सब पहले हमारा गाँव खोड़ी है, और यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, आप देख रहे हैं होंगे, यहाँ देखिए। और पहाड़ आगे भी पहाड़ है, खतरनाक पहाड़ है, आप देख रहे हैं आगे जो पहाड़ है वो सब और भी पहाड़ है। केवल यहाँ से जो नज़ारा देखने को आपको मिलेगा ना, यहाँ पे अभी आप देखिएगा यहाँ पे मैच खेला जा रहा है ग्राउंड में, देख रहे हैं, देखिए कितना लोग वहाँ पे मैच खेल रहे हैं। एकमात्र खोड़ी का जगह है जहाँ ऐसा पहाड़ आपको शायद ना मिलता होगा, लेकिन हम लोग रोज देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना सारा पहाड़ है, ऐसे पहाड़ हमारे गांव में है, और आपको शायद ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऐसा मात्र जगह है जहाँ मतलब हम लोग रोज देखते हैं, आप लोग को रोज देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत लोग जो है टाइम पास मतलब ये बोल सकते हैं घूमने यहाँ पे आते रहते हैं, आपको छोटा वाला बच्चा है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम बिताता है। और अभी और दिखाएंगे हम आपको, बैक कैमरा से दिखाते हैं कि कितना बड़ा ये पहाड़। ये हम कुछ लोगों से आपको मुलाकात कराते हैं, पहले कुछ डिटेल बता देते हैं। ये जो है ये राज सर हैं, ये खोड़ी का एक टीचर है जो काफी अच्छा इनका पढ़ाओ लिखा है, और इनका बोल चाल बहुत अच्छा रहता है, और पीछे जो है इनका शायद स्टूडेंट है, और ये हमारे क्लास साथी होते हैं, लेकिन किसी कारण एक वर्ष हम इनसे सीनियर हो गए। और आप अभी हम सर से पूछने वाले हैं, सर आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस होता है बताइए। वैसे तो मेरा पूरा बचपन ही गिरा बीता पूरा, पहले जब मैं बचपन था लगभग 2 से 3 साल इधर मैं बकरी चराता था पहले, और जब 10th में था तो मैं यहीं पर पूरा रहता था दिन भर, और कोई क्वेश्चन पेपर होता था या कोई भी किस प्रकार का केस पेपर होता था उनका था इसी कहीं से गुफा उफा में, और फिर आता था पढ़ता था बकरी चराता था। इससे बहुत मेरा लगाव रहा शुरू से ही पहाड़ पर, वैसे हम जितना फर्स्ट पर दौड़ते हैं शायद ही कोई दौड़ सकता है इस पर। एक बार आया था 2-3 लोग उनसे ट्रायल भी किया था, देखते हैं पहाड़ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा पूरा लगभग 5 से 6 साल इसी पहाड़ पर पूरा बीता है मेरा। और जब मैं 10th क्लास में था तो फिर जब 11th में चढ़ा तब से छोड़ दिया, उसके बाद मैं आज ही बहुत दिन बाद चढ़ा हूँ, और अपने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, आज लग रहा है कोई पुराना चीज़ ताज़ा हो गया जिस पर, ऐसा मुझे लगता है यहाँ कर कि बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है मेरा, इससे बहुत बड़ा लगाव रहा है मेरा सच में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे दोस्तों के साथ। और ये मेरा पहले बहुत 8th क्लास तक मेरा क्लास साथी रहे थे ही, हम इनको बड़े कहते थे हमको छोटे कहते थे, आज इनके साथ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको सच में। तो आज भलोक बना के पुराने ताजे यादें जो है ताजे हो गए हैं, ये मेरे पहले दोस्त भी थे किए हैं जो बात बोले हैं कि यहाँ पे सर का बहुत ज़्यादा 2-3 साल इस पहाड़ पर सर ने गुजारे हैं, और आपको कैसे बताएं कि ये बंदर की तरह ये पहाड़ पर एक कूदते थे, और इनसे शायद ही कोई फास्ट कूद पाएगा ये पहाड़ पर, सर का अनुभव, और सर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम बिताया आपको बताया है सर अभी आपको, और सर से और कुछ पूछ लेते हैं कि सर ये पहाड़ लगभग कितना दूर में फैला होगा, आपको जानकारी हुआ क्योंकि आप 2-3 साल यहाँ पे रहे हैं तो आपको पता होगा ये पहाड़, और क्या भूतों तो भी यहाँ पे रहते हैं आप बताइए। तो सर आप बताइए भूत ऊत भी यहाँ पे रहते हैं? वैसे तो कभी यहाँ रात में नहीं आता है, कहा गया कि भूत हमेशा रात में रहते हैं, दिन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था
जब मैं आ रहा था उधर से अचानक तो पीछे से कुछ दौड़ा उसे, वैसा भूत तो नहीं था तो मुझे लगा कोई कुछ जानवर था वैसा, लकड़ा बोलता है लोग की लकड़ा रहता है, उसमें बहुत डरा हुआ था। अच्छा, तो सर ने बताया कि यहाँ पे भूत नहीं रहता लेकिन लकड़ा रहता है शायद, और सर डर भी गए थे। देखिए सर डर गए थे। और सर ये पहाड़ लगभग कितना दूर होगा इसके बारे में कुछ बताइए आप। हमें लगता है ये पहाड़ लगभग 2 किलोमीटर दूर तक फैला है। ओ, तो सर का कहना है कि ये पहाड़ लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। और ये सर, अच्छा इसके अगल बगल जो दिख रहा है हरियाली, उस पर कुछ कहिए। पहले तो और ज्यादा था लेकिन जब से ये रोक लगा कि पेड़ नहीं काटने तब से लोग और काटे, क्योंकि भारत है और भारत के लोग की एक बहुत बुरी आदत है। अच्छा। जहाँ कहा जाता है कि यहाँ कुछ नहीं कर... वैसे तो पहले जब यहाँ मैं रहता था वहाँ तो हरियाली चारों तरफ बहुत अधिक थी, लेकिन उसी समय एक नियम कुछ लगा था तो उसमें कहा गया था कि पेड़ नहीं काटना है, लेकिन भारत के लोग की एक बुरी आदत बहुत है, जो चीज़ मना किया जाता है वही चीज़ करता है। जैसे कहीं लिखा होता है ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, आदमी वहीं जाकर पेशाब करता है, ये भारत के लोग ऐसा है कुछ। तो सर ने बताया कि पहले जो अगल बगल आप अभी हरियाली देख रहे हैं बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोगों ने जब रोक लगाया गया कि पेड़ नहीं काटना है तो लोगों ने और काटा, ताकि जैसे में लगा कि जो मतलब खुद को नहीं अपना जानता है कि जो हम हैं वो कोई नहीं है, मतलब खुद का बड़ा बनाने में सब पेड़ काट दिया गया और हरियाली कम हो गई। लेकिन सर का कहना है कि पहले इसके आसपास इतना जंगल था कि आने में डर लगता था। तो सर आपको अभी कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अभी सच में आने के बाद बहुत भावुक है क्योंकि बहुत पुराने प्लेस मेरा ये रहा है। हाँ। यहाँ मेरा बचपन बीता है तो ऐसे भी बचपन का दिन बहुत सुहाना होता है। हाँ। उस... सर आप कुछ बता रहे थे किसी कारणवश, थोड़ा उसके लिए माफी, चलिए बताइए। मैं ये बता रहा था कि जब मैं बचपन में यहाँ आता था तो मैं एक से खेल खेला करता था या दौड़ता डेली प्रैक्टिस करता था। सुबह लगभग 6 बजे आता था और 10 बजे खाना पीना टाइम जाता था, आ फिर आता था बकरी लेकर चराता था, आ फिर अपने खाना के टाइम पर सिर्फ जाता था और बाकी मेरा समय पूरा यही बीतता था पूरे पहाड़े पर। एक घर जैसा था, दिन का घर ये था। अच्छा। और रात का घर मेरा घर था बस का। तो सर ने बताया कि यहाँ मतलब इनका घर, मतलब जितना घर से इनको प्यार मिला उतना से कई ज्यादा यहाँ पहाड़ों से इनका लगाव है। ये शुरू से ही पहाड़ में पले बढ़े हैं और इनका फेवरेट जगह कह सकते हैं यहाँ पहाड़ था इनका। तो सर अभी का माहौल मौसम के अनुसार देखते हुए कुछ पुराने यादों पर कह दीजिए, जैसे मैं पुराने का बचपना के बारे में कुछ कह दीजिए। तो पहले आता था यहाँ तो बात दृश्य अलग था, पेड़ पौधे चारों तरफ होते थे। हाँ। दिखने में कुछ और लगता, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कोई नए प्लस पर है क्योंकि लोगों ने पूरा बर्बाद। आप बताइए इनमें से आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट भी शायद होगा, शायद हमको नहीं तो हम पता, लेकिन हम पूछना चाह रहे कोई फेवरेट स्टूडेंट भी है इसमें शायद आपका। वैसे तो सब स्टूडेंट से हम बराबर प्यार करते हैं, किसी से भावनात्मक रूप से सबसे बराबर देखते हैं, किसी से मैं सब कन्फ्लिक्ट जैसा कुछ नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है, जब से मेरा कोचिंग खुला है लगभग 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ घर पे। हाँ। वो एक दिन भी नहीं छोड़ा इतना, उसका नाम अच्छा। है, पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है वो। हाँ। अनबिलीवेबल लड़का है, जैसे अच्छा। कभी कभी मैं भी फंस जाता हूँ सवाल में, वो हल करता है उसका सवाल। उसका नाम है पंकज, नाम है पंकज। आप थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिएगा मेरे व्यूअर को। हाँ, ये देख रहे हैं आप सामने, यही पंकज है। चलिए कुछ पंकज से कुछ सवाल भी करना चाहेंगे सर आप इस वक्त टीवी पे। क्या कुछ सवाल, मतलब किस प्रकार का, मतलब कि आपका स्टूडेंट कैसा पढ़ने में, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट स्टूडेंट है तो आप कुछ सवाल भी कर सकते हैं, हम देखना चाह रहे आते हैं आप सवाल मतलब कीजिए उनसे, हम जानना चाह रहे हैं वो पढ़ने में कैसा है, बस इसीलिए थोड़ा व्यूअर को दिखाने के लिए। आगे आओ पंकज। हाँ, तो आप सवाल पूछिए पंकज से, हम देखते हैं वो टैलेंट देखना चाह रहे हैं बस पंकज का, कितना आपका फेवरेट स्टूडेंट कितना पढ़ने में तेज है। चलिए तो बताओ किस महासागर एक है जिसका आकार एस के कलर का है? अंटार्कटिक महासागर। उसका जो आकार है एस जैसा दिखाई देता है उसका। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर